नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रंकेट टेबल के बारे में। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट आपका एक ऐसी कमांड या क्वेरी है जो कि आपके टेबल में मौजूद जो डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्रॉप और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रंकेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप जो होता है वो आपके इंटायर टेबल को डिलीट कर देता है, बट जो ट्रंकेट होता है ट्रंकेट टेबल को नहीं डिलीट करता। टेबल के जो स्कीमाज हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट जो डेटा विद इन टेबल होता है ये उसको डिलीट कर देता है। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में फर्क यही है कि ड्रॉप टेबल को डिलीट कर देता है इंटायर टेबल को, लेकिन जो ट्रंकेट होता है वो आपके स्कीमास को वैसे रहने देता है, डिजाइन को वैसे ही रहने देता है, बट जो डिजाइन में जो स्कीमास में डेटा होता है यानी आपके टेबल में मौजूद डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उनमें जो डेटा होता है वो सारे सारे डेटा को डिलीट कर देता है। इसके लिए जो हमारी क्वेरी है वो है ट्रंकेट और टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम हम लिख देते हैं जी स्टूडेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट करने पे ये टेबल का डेटा जो है वो डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पे हमें जस्ट ये यहाँ पे स्कीमास, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें मौजूद डेटा जो था वो नजर नहीं आ रहा। तो इसने क्या कर दिया? इसने डेटा को डिलीट कर दिया है जो कि टेबल में मौजूद था। हम अपने पुराने डेटा को रीइंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट वैल्यूज जो है इस पे हम सिलेक्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने पे हमें डेटा जो है वो पुराना डेटा को है शो हो जाए। तो इस तरीके से हम ट्रंकेट कर सकते हैं अपने डेटा को जो हमें टेबल में मौजूद डेटा नहीं चाहिए।